खबर मथुरा से है, जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड स्थित कान्हा पशु आश्रय गौशाला का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने गायों की सेवा की और उन्हें चारा और गुड़ खिलाया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने यहां पौधारोपण करते हुए ब्रज को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने जेवर में रखी जा रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला के संबंध में बताया कि यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संजीवनी का काम करेगा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने से मथुरा आगरा में पर्यटन भी बढ़ेगा। ये काना गौशाला है और इसका पूरा रखरखाव का काम हमारा नगर निगम करता है और आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार इसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी ठंडी का मौसम शुरू होगा तो गाय को और कैसे हम लोग यहाँ सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा घना वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण ब्रज में, इसको लेकर भी हमारा लगातार अभियान चल रहा है। आप देखेंगे अहिल्यागंज में, सुंदर मांगर में, यहाँ बड़े स्तर पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं क्योंकि जनवरी फरवरी में थोड़ा ग्रोथ कम रहती है तो अभी से तैयारी चल रही है। फिर हम लोग मार्च में बड़े स्तर पर फिर वृक्षारोपण का कार्य शुरू करेंगे।